नमस्कार, टेढ़ा शायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे। टेढ़ा शायरी में मेरे साथ खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। रोज की तरह बताएंगे आपको ट्रेडिंग के दमदार आइडियाज, लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि क्यूज कैसे हैं। सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि कुशल, मुझे पता नहीं कि सिंगापुर निफ्टी को देख के कोई मतलब है कि नहीं, क्योंकि रोज हम सुबह सुबह देखते हैं कि सिंगापुर निफ्टी या फिर ग्लोबल मार्केट किस तरह से ट्रेड करते हैं, लेकिन दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो भारतीय बाजारों में दबाव देखने मिलता है। कल भी इसी तरह का ट्रेडिंग सेशन देखने मिला था और आज तो सिंगापुर निफ्टी जो है वो सुबह से ही सुस्त है। यूएस के मार्केट्स तो कल बंद थे, तो वहाँ से तो कोई क्यूज है नहीं। डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स को देख लेते हैं, वहाँ भी कोई बड़ी हलचल जो है आपको देखने नहीं मिल रही है। कल जब हमने ये शो किया था तब डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स हरे निशान में थे। आज अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स जो है लाल निशान में है। एक बार एशियन मार्केट्स भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का ट्रेड देखने मिल रहा है। तो जापान अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक रिबाउंड देखने मिला है, लेकिन साथ ही साथ हैंगसेंग लाल निशान में है, लेकिन शंघाई भी हरे निशान में है। तो मिक्स क्यूज जो है वो एशियन मार्केट्स में देखने मिल रहे हैं। तो कोई क्लियर कट व्यू तो नहीं है, नो डाउट खबरें काफ़ी सारी आई है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है रोज की तरह आज भी आपको देखने मिलेगा, तो फोकस आपको वहीं करना है। तो मेरी टीम में काफ़ी सारे इनफैक्ट्स जितने भी है सबके सब खबरों के दम पर ही मैंने लिया है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे होते जा रहा है। नो डाउट नतीजों का सीजन है, तो वहाँ पे आपको नजर रखनी, तो काफ़ी सारे रिजल्ट रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो ग्रे मार्केट को, क्योंकि स्ट्रेंथ मुझे तो नजर नहीं आ रही मार्केट में। बिल्कुल वरुण, स्ट्रेंथ आपको नजर नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है, मुझे स्ट्रेंथ ना तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है ना वीकनेस नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, डेफिनेटली विंडफॉल टैक्स गेन्स जो कम होते हुए दिखे हैं वो इनके लिए, जितने भी खासकर अगर आप स्टैंडर्ड रिफाइनरीज बात करें या फिर ऑयल प्रोड्यूसर्स है उनके लिए तो अच्छी बात है, तो उससे जुड़े हुए भी हम स्टॉक्स लेकर आएंगे। बट लार्जली जिस तरह की रणनीति आज आपको बनानी है, डेफिनेटली काफी स्टॉक स्पेसिफिक ही चलना होगा। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण आप बताएं कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक चुना आपने? तो कुशल आप जो जिक्र कर रहे थे विंडफॉल गेन टैक्स, उसी के चलते मैंने पहला स्टॉक जो चुना है वो है MRPL। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, करीब 60.5 के आसपास का टारगेट आपको देखने मिलेगा, 56.5 के आसपास का आप स्टॉप लॉस भी रखेगा। देखिए विंडफॉल गेन टैक्स सरकार ने फिर से एक बार कटौती कर दी है। कच्चे तेल पर जो टैक्स है 2100 रुपये प्रति टन से घटा के 1900 रुपये प्रति टन के आसपास किया गया है। ATF पे विंडफॉल गेन टैक्स जो है 4.5 रुपये प्रति लीटर से घटा के 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया, और डीजल पे भी इसमें कटौती की गई है। याद रखिएगा MRPL जो है वो ATF यानी कि एट अर्बन फ्यूल जो है वो बनाने का काम भी करती है, तो इसके लिए दोहरा फायदा जो है होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। MRPL को अपने रडार पर रखिएगा, अच्छी खासी तेजी आज इस काउंटर में हो सकती है। 60.5 के लेवल के आपको खरीदारी करना है, 56.5 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। कुशल आपने जो शुरुआत में जिक्र किया कि विंडफॉल गेन टैक्स काटा गया है, उसी के चलते पहला स्टॉक जो है मैंने अपने टीम में शामिल किया। आप बताइए आपका कौन सा स्टॉक है? देखिए वरुण, MRPL है मेरी सूची में भी, एक और इससे जुड़ा हुआ ही काउंटर है जो मैं आगे बताऊंगा, पर सबसे पहले कैश सेगमेंट में जो स्टॉक मैंने चुना है वो मैं आपको बता देता हूं, और ये है ब्रोकरेज हाउस रिलेटेड। जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं एंजल वन के, उसको आपको चुनकर चलना है, क्योंकि नंबर्स क्लियरली आउट परफॉर्मेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा कंपनी के मार्जिन 39.8% से बढ़कर लगभग 41% पर होती हुई दिखी है, साथ ही कंपनी का मुनाफे में 39% तक का उछाल भी आपको आता हुआ दिख रहा है। 228 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। कामकाजी मुनाफे की भी बात करेंगे तो 24% की ग्रोथ वहां पर है, और आय फ्रंट पर भी कंपनी ने 20% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी के डबल डिजिट ग्रोथ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 20% से ज्यादा के ही ग्रोथ आपको तीनों के तीनों आय, एबिटडा और मुनाफे पर आते हुए दिख रहे हैं, और मार्जिन्स पर भी लगभग 120 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो संकेत आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इंजन वन में आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं, और इससे जुड़े हुए जो और भी तमाम ब्रोकरेज हाउस के स्टॉक हैं, हो सकता है वो भी आज फोकस में आते हुए दिखे एंजल वन के नंबर्स के बाद। तो डेफिनेटली खरीदारी कर चलिए इसको, 1355 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करनी है, 1300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और यहां पर मैंने स्टॉक चुना है डेल्टा कॉप का। आप देखिए यहां पर इसके नंबर्स आने वाले हैं, एंड पोस्ट मार्केट ही नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है, और जिस तरह से हम लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं कि यहां पर जो तीसरी तिमाही है कंपनी के लिए काफी शानदार रह सकती है, क्योंकि फुटफॉल काफी बड़े रूप में इंक्रीज होता हुआ दिखा है, और पहला ऐसा रिस्ट्रिक्शन फ्री, कोविड रिस्ट्रिक्शन फ्री ये तिमाही रही है घूमने फिरने के लिहाज से। तो डेफिनेटली डेल्टा कॉप अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से आपको खरीदारी करने की राय है। इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करिए 221, वैसे भी अगर आप ऊपरी स्तरों से देखें तो काफी करेक्ट हो चुका है, तो अच्छा एंट्री पॉइंट भी बन सकता है, नंबर्स की भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। तो 221 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाकर चलिए, नंबर्स के पहले 211 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए तो डेल्टा कॉप आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजे बेहतरीन दे सकते हैं, वैसे भी पिछली तिमाही जो है
खासकर इस टाइप की कंपनीज के लिए काफ़ी बेहतर रहती है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। मेरे तरफ से फ्यूचर्स में ONGC है, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 154 के लेवल के लिए, 145 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको रखना है। नो डाउट कच्चा तेल ओवरनाइट गिरा है, लेकिन ये जो विंडफॉल गेन टैक्स की खबर आई है इसका शायद फायदा जो है इंट्राडे में आपको ONGC में देखने मिल सकता है। जाहिर सी बात है विंडफॉल गेन टैक्स घटा है तो इसका इंपैक्ट आपको इस काउंटर पर देखने मिलेगा, क्योंकि इन कंपनीज के लिए ये आउटगो था बेसिकली, और जिस तरह से टैक्स लगातार बढ़ते जा रहा था इन कंपनीज के लिए दिक्कत था। अब यहाँ पे विंडफॉल गेन टैक्स घटा है तो उसका फायदा मिलेगा, आप खरीदारी करके चलेगा 154 के लेवल के लिए, 145 का आपको फ्यूचर्स में ONGC में रखना है स्टॉप लॉस। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में बेसिकली मुझे स्टॉक हमेशा वीक लगता था, लेकिन आज मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1580 का टोरेंट फार्मा का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, 25 रुपये के लक्ष्य के लिए 70 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए फंडामेंटली मुझे कभी इस काउंटर में कन्विक्शन आया नहीं, टेक्निकली भी कभी इस काउंटर में कन्विक्शन नहीं आया, लेकिन आज खरीदारी की सलाह इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि सिटी की एक रिपोर्ट आई है और सिटी टोरेंट फार्मा में खरीदारी की सलाह दे रहा है। अपग्रेड किया है इन्होंने इस काउंटर को न्यूट्रल से, अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। प्राइस टारगेट देखिए 1700 से बढ़ा के 1860 रुपये का दिया, और बहुत कम ऐसा होता है कि टोरेंट फार्मा जैसे काउंटर पे किसी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आए, और आज वो दिन है जब टोरेंट फार्मा पे ये रिपोर्ट आई है, तो मुझे लगता है कि आज ये काफ़ी बड़ा रिएक्शन आपको जो है वो टोरेंट फार्मा में देखने मिल सकता है। 1580 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, 25 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 17 रुपये का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस भी। कुशल आप बताइए ऑप्शंस में आपने खरीदा है बेचा है? नहीं, मैंने भी ऑप्शंस में खरीदा ही है, और यहाँ पर खरीदारी जो करनी है आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे पुट ऑप्शन खरीदना है, सो एसेंशियली बिकवाली का कॉल है, बट आपको खरीदारी करके चलनी है पुट ऑप्शन में। तो यहाँ पर डिक्सन टेक ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। तो डेल्टा कॉप में तो खरीदारी करनी है, पर डिक्सन टेक लगातार आप देखिए चार्ट लेवल पर यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जिस तरह के 5000 के लेवल्स ये कभी ट्रेड करता हुआ दिखता था, इनफैक्ट पिछले साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 4995 रुपये के आसपास भी यहाँ पर इसके लेवल्स आते हुए दिखे थे, और अब आप देखिए यहाँ पर 3500 के भाव पर अब ये ट्रेड करने लगा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर का वीकनेस है इसमें लगातार गिरावट का रुझान है, तो इसके पुट ऑप्शन में आपको खरीदारी करने की राय है, और जो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है वो होगा 3500 रुपये का, करीबन 50 रुपये पर अवेलेबल है, 65 रुपये का टारगेट बनाना है, 40 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो मेरी तरफ से है ऑप्शंस में डिक्सन टेक पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय। अगर आपने ऑप्शंस में नहीं लिया होता ना तो मेरे से टेक्निकल कॉल ले लो, इतना वीक स्ट्रक्चर है, इतना वीक स्ट्रक्चर है, लगातार मैं देख रहा था इस कंपनी के चार्ट निकाल के टेक्निकल, रोज लाल कैंडल बनती है। निफ्टी एक ऐसा है जिसको हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट देखने मिले, लेकिन उस बीच मार्केट में भी एक बाउंस बैक आ गया, लेकिन इसमें बाउंस बैक आने का नाम ही नहीं है। चलिए, इस तरह की वीकनेस जो डिक्सन टेक में देखने मिल रही है, और पता नहीं किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन काफी वीक स्ट्रक्चर है, और हो सकता है ना कुछ अगर ये कंटिन्यू हुआ ये फॉल तो पता नहीं 3000 कब पहुंच जाएगा, नहीं अकाउंट पर कोई भरोसा नहीं। चलिए, तो देखना होगा कि यहाँ पर और फर्दर गिरावट कितनी लेवल तक आती है। चलते अगली कैटेगरी जो टेक्निकल कैटेगरी, और कुशल से जानते हैं। कुशल वैसे एक स्पॉइलर तो दे ही चुके हैं कि और हम आपको बिकवाली कॉल कॉल बताएंगे, कुशल बताइए कौन सा सेल आईडी है वो? देखिए स्पॉइलर है, चार्ट स्पॉइलर है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, PVR का चार्ट काउंटर मेरे को तो समझ में नहीं आया कि कल 5% तक की गिरावट किस लिए हुई है, बट डेफिनेटली फिर थोड़ी छानबीन की तो पता चला, और फिर हमने लिंक कर बताया अभी कि किस तरह से कोटक ने यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने PVR को डाउनग्रेड किया है, और 16-17% वहाँ पर जो पहले प्राइस टारगेट दे रहे थे वो उन्होंने कटौती की है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर जो जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो प्री पैंडमिक लेवल के अभी भी नीचे है, तो और पता नहीं क्या चाहिए अपनी ऑक्यूपेंसी लेवल को इनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें फेवर में है, मूवीज़ की लगातार आपको जो है एक स्ट्रीम लाइन आती हुई दिख रही है, कंटेंट मजबूत है, इनफैक्ट 8 वीक विंडो पीरियड भी आ चुका है कि मतलब OTT और साथ ही जो पिक्चर हॉल में रिलीज होती है मूवीज उसमें 8 हफ्तों का गैप होगा, उसके बाद भी अगर ऑक्यूपेंसी लेवल इंप्रूव नहीं हो रही है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। बट लार्जली जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल तो मैं खैर यहाँ पर जिस तरह से अभी बन रहे हैं वो थोड़ी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट चार्ट पर ये चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको पहले देखने को मिल रहा है। तो चार्ट पर जिस तरह की गिरावट कल के दिन में हुई है, मुझे लग रहा है कि आज बाजारों में अगर थोड़ी सी भी और फर्दर गिरावट का मूड माहौल बनता है तो PVR पर और फर्दर गिरावट आज भी देखने को मिल सकती है। तो 1630 रुपए के टारगेट के लिए PVR में बिकवाली करनी है, 1710 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो यहाँ पे PVR में आप कीजिएगा बिकवाली, और मेरे तरफ से भी एक टेक्निकल कॉल जो है वो बिकवाली का ही है, और वो है एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। चार्ट्स बेहद कमजोर है इस काउंटर के, और हमेशा मैं देखता हूँ कि 2000 के नीचे जब आता है तो करीब करीब 1850 के आसपास के लेवल जो है वहां तक ये काउंटर हमेशा जाता है।
कल भी 2000 के नीचे की इसने क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको फर्दर वीकनेस देखने मिल सकती है। 1930 के लेवल के लिए आज बिकवाली कीजिएगा, 2010 का स्टॉप लॉस रखते हैं। मार्केट में अगर गिरावट आती है तो गिरने वालों में ये सबसे आगे रह सकता है। अगला है फंडा पिक और फंडामेंटल एक काउंटर है HDFC लाइफ। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 628 के लेवल्स के लिए, 592 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है HDFC लाइफ पे, ओवर वेट का कॉल दिया है और लक्ष्य बढ़ाया है, 670 से बढ़ा के 720 का कर दिया। इनफैक्ट काफ़ी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे इनकी रिपोर्ट आई है, उसके चलते आज HDFC लाइफ जो है उसमें अच्छी खासी तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चलिएगा इस काउंटर में, करीब करीब 628 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। कुशल, आपका फंडा पिक? बिल्कुल, तो मेरी तरफ से फंडा पिक है चेन्नई पेट्रो का। आपने MRPL बताया था, मेरी तरफ से सिमिलर तर्क पर जिस तरह से सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती की है उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टैंडअलोन रिफाइनर्स पर आज बड़ा फोकस वापस से बन सकता है। तो खरीदारी कर चलिए 230 रुपए के टारगेट के लिए, 222 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनना चाहिए। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से, एंड इन्वेस्टमेंट पिक पर मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज ऑटो OEM M&M का। अब आप देखिए यहाँ पर सेगमेंट में जिस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिक SUV 400 लॉन्च की है, शुरुआती कीमत 16 लाख रुपए पर रखी है, तो जिस काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, इनफैक्ट मैं कहूँगा नेक्सॉन EV के साथ, और कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर ऐसा होता है कि टाटा मोटर्स से हो सकता है M&M इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपना मार्केट शेयर गेन करता हुआ नजर आए, तो देखना होगा कि किस तरह से कंज्यूमर डिमांड यहाँ पर अनफोल्ड होती है। बट लार्जली जो ये लॉन्च किया गया है अच्छी प्राइसिंग है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट्स का तो कुछ कहना ही नहीं है, तो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अगले 12 महीनों के लिए होल्ड कर चलेंगे तो 1600 रुपए के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, मेरे तरफ से भी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली एक FMCG काउंटर है, लेकिन एक नॉन FMCG काउंटर है, वो है इमामी। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, अगले 8 महीनों में 520 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। देखिए वैसे भी बजट आ रहा है और अगला साल जो है इलेक्शन ईयर है, तो कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो ओवरऑल स्पेंडिंग है वो शायद आपको रूरल स्पेस में ज़्यादा देखने मिलेगी, और इसके चलते FMCG काउंटर जो है वो वैसे भी काफ़ी हद तक फोकस में रह सकते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी का काफ़ी बड़ा विंटर प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, और अभी आपने देखा कि किस तरह से सर्दियां बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा भी इमामी को जरूर मिलेगा। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और इसके चलते, और याद रखिएगा कच्चे माल के जो दाम है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, तो उसका भी फायदा जो इस काउंटर को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं इस काउंटर के लिए और लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, खरीदारी करके चलेगा 520 के लेवल के लिए। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है, और खबरों के दम पे एक स्टॉक पसंद है और वो है टाटा मेटालिक्स। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 865 के लेवल के लिए, 820 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कल ब्लॉक डील में मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने इस कंपनी में करीब 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं 835 के भाव पे। आज नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के पहले मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे खरीदारी की है, तो कहीं ना कहीं शायद मॉर्गन स्टैनली को लग रहा होगा कि शायद नतीजे अच्छे आएंगे। अब वो नतीजे जैसे भी आए, लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ खरीदारी की है, इसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आज नतीजे भी आने वाले हैं इस काउंटर के। चलिए डेफिनेटली, तो नतीजे आने वाले हैं टाटा मेटालिक्स के, और यहाँ पर जिसके नतीजे आ चुके हैं एंजल वन के, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक और ब्रोकरेज हाउस अपने सूची में शामिल किया है। तो जो नतीजों के दम पर अगर आप कहें तो यहाँ पर जियोजिट फाइनेंशियल, ये काफ़ी स्टॉक पसंद आ रहा है मुझे, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, और यहाँ पर जो ब्रोकरेज नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं एंजल वन की तरफ से, उस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर छोटा काउंटर है, खरीदारी कर चलिए। 52 रुपये के टारगेट के लिए 48 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने आपके साथ जो स्टॉक्स है वो शेयर कर दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की। वरुण, बताएं आपने इसमें क्या चुना है? चलिए, तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है, और सबसे पहले यहाँ पे आपको PDS लिमिटेड में खरीदारी करना है। 350 के लेवल के लिए 332 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। दरअसल इस कंपनी ने अपना शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिया है, जिसमें वल्लभ भंसाली और इनाम इन्वेस्टमेंट ने दिसंबर तिमाही में 3.37% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो खरीदे। हालांकि ये खबर जो है संडे को 11 बजे के आसपास रात को आ चुकी थी, लेकिन शायद कल किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको डिस्क्लोजर में देखने मिलेगा, तो यहाँ पे नजर रखेगा। दूसरा है सुला विनयार्ड, कल भी मैंने खरीदारी की सलाह दी थी, आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 388 के लेवल के लिए 365 का स्टॉप लॉस रखना है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 10 लाख शेयर जो है कल ब्लॉक डील में खरीदे हैं 362 के भाव पे, तो इसके चलते आज फिर से आपको यहाँ पे तेजी देखने मिल सकती है। और आखिरी में जो विंडफॉल गेन टैक्स घटा है उसके चलते इंटरग्लोब एविएशन में भी खरीदारी कर सकते हैं 2180 के लेवल के लिए, 2060 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है, क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स जो है वो ATF पे 4.5 रुपये प्रति लीटर से घट के 3.5 रुपये प्रति लीटर हुआ है, तो उसका फायदा आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। चलिए, मेरी तरफ से माइचर्स कैटेगरी में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं, जिसमें सबसे पहला है भारती एयरटेल, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ब्रोकरेज हाउसेज लगातार
बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। अपना जो बुलिश स्टांस है वो मेंटेन किया हुआ इन्होंने। क्रेडिट स्विस 950 के लक्ष्य दे रहा है और सिटी भी 940 रुपए के टारगेट देते हुए दिख रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय एयरटेल में अच्छे एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। 780 रुपए का टारगेट रखिए, 750 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से फेडरल बैंक पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर कल जो नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेज ने भी यहाँ पर अपने टारगेट ये बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मॉर्गन स्टैनले ने ओवरऑल रेटिंग के साथ टारगेट 165 से 175 कर दिए हैं और सिटी ने भी 153 से बढ़ाकर 165 के टारगेट दिए हैं। तो फेडरल बैंक आज भी एक्शन में रह सकता है। 144 का टारगेट रखिए, 138 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है बैंक ऑफ इंडिया पर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है और इसके आज नंबर्स आने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि आज आपको बैंक ऑफ इंडिया में भी खरीदारी करने के चलना चाहिए। यहाँ पर 101 रुपए के टारगेट आज आपको बनाने हैं और यहाँ पर 96 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो बैंक ऑफ इंडिया ये रीजन है कि क्योंकि आज इसके नंबर्स आने वाले हैं तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। चलिए तो स्टॉक हमने आपको बता दिए, फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप। कैश में खरीदारी करना है, MRPL में जो विंडफॉल गेन टैक्स घटा है उसका इंपैक्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। इसका इंपैक्ट ONGC में भी देखने मिलेगा, इसके लिए फ्यूचर्स में ONGC में आप कीजिएगा खरीदारी। ऑप्शंस में टोरेंट फार्मा का 1580 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। सिटी ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं उसका असर देखने मिलेगा। टेक्निकली एस्ट्रल लिमिटेड कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा इस काउंटर में। फंडामेंटली HDFC लाइफ अच्छा लगता है, JP Morgan ने यहाँ पे लक्ष्य बढ़ाए हैं उसके चलते आप यहाँ तेजी देख सकते हैं। निवेश करके चलना है इमामी में अगले 8 महीनों में 520 के लेवल के लिए। खबरें टाटा मेटालिक्स में है। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने इस काउंटर में 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं उसका असर देखने मिलेगा। माई चॉइस में PDS लिमिटेड में आपको खरीदारी करना है। वल्लभ भंसाली और इनाम इन्वेस्टमेंट ने दिसंबर तिमाही में 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा सोला विनयार्ड में आपको खरीदारी करना है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है और इंटरग्लोब एविएशन विनफॉल गेन टैक्स जो घटा है उसका असर देखने मिलेगा, यहाँ पे भी कीजिएगा खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है HDFC लाइफ, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर पे क्योंकि JP Morgan की रिपोर्ट आई है जिसने इस काउंटर पे अपना लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है, 670 से बढ़ा के 720 का किया है, उसका असर आज आपको HDFC लाइफ पे देखने मिल सकता है। चलिए तो दमदार आंकड़े आते ही देख रहे हैं एंजल वन के, तो खरीदारी करके चलिए। डेल्टा कॉप के आज नंबर्स आने वाले हैं पोस्ट मार्केट, उसके पहले अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस पर हो सकता है ये स्टॉक चलता हुआ दिखे। डिक्सन टेक लगातार चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक होता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म या फिर आप लॉन्ग टर्म देखें तो। और PVR भी यहाँ पर भी गिरावट का रुझान क्लियर कट बनता हुआ दिखा कल के सत्र में भी और आज भी वीकनेस लग रही है। चेन्नई पेट्रो सरकार ने जो विंडफील्ड टैक्स कम किया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से M&M पसंद आ रहा है और जियोजेट फाइनेंशियल एंजल वन के नंबर्स के हो सकता है तमाम ब्रोकरेज हाउसेज रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में रहे। माइचेस कैटेगरी में भारतीय एयरटेल, फेडरल बैंक और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया यहां पर खरीदारी करने की राय है और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है डेल्टा कॉप पर। 221 रुपए का लक्ष्य बनाकर चलिए, जबरदस्त हो सकता है कि यहां पर आज इसके तमाही नतीजे आते हुए दिखें। चलिए तो स्टॉक्स हमने आपको बता दिया कि क्या खरीदना है क्या बेचना है, लेकिन एक बार सिंगापुर निफ्टी भी देख लेते हैं फिलहाल किस तरह का ट्रेड देखने मिल रहा है। तो सिंगापुर निफ्टी अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है, हरे निशान में आने का नाम नहीं ले रहा है। नो डाउट करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 13-14 पॉइंट के आसपास की गिरावटें ज़्यादा है नहीं, लेकिन सुस्ती जो है वो सिंगापुर निफ्टी में आपको साफ देखने मिल रही है। कुशल जब शो के पहले अगर हम देखते तो थोड़ा बहुत हरे निशान में तो था सिंगापुर, बढ़ रही है इनफैक्ट क्योंकि जब हमने 6:30 बजे जब एसजेएक्स निफ्टी खुला था ना तो 30-32 अंकों की तेजी थी इनफैक्ट वरुण, और अब हम देखिए 13-14 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है ऊपरी स्तरों से गिरावट की बन रही है, चार्ट पर भी ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखना होगा कि आज बाजार इस चीज को ध्यान में रखकर किस तरह से ट्रेड करते हैं एंड डेफिनेटली कल बैंक ऑफ जापान का जो डिसीजन आने वाला है उस पर तो एनी विच वेज हमारा फोकस बड़ा बना हुआ ही है। डेफिनेटली तो बैंक ऑफ जापान का जो डिसीजन आने वाला है उसके ऊपर फोकस होगा, लेकिन चाइना का जो डेटा आया है वो बेहद ही कमाल का है। 3% अनुमान था 1.5% 1.25% के आसपास का, 3% के आसपास के टाइपो एरर तो चलिए पता नहीं चाइना का डेटा टाइपो एरर था कि नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी सारे और डेटा पॉइंट्स जो है उस पर कहीं ना कहीं आपको नजर रखनी है। और मुझे लगता है ना सिंगापुर निफ्टी कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करने के लिए सुबह सुबह हरा खुलता है, रोज हम यही देखते हैं कि खुलता कहीं है लेकिन एंड कहीं और ही जाके होता है। तो चलिए ये सब तो देखा जाएगा कि किस तरह की शुरुआत होती है किस तरह का एंड होता है, लेकिन हाँ डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। और इस डेटा को और सारी खबरों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। और बाजार में आज सुस्ती के संकेत है, अमेरिकी बाजार कल बंद थे और कल के उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद आज क्या रहेगी, क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, फोकस इसी पर। करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।